कैमूर जिले के मोहनिया और दुर्गावती में महागठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से मशाल जुलूस निकाला, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जमकर भड़ास निकाला और कल महागठबंधन की बंदी को लेकर सबको सफल बनाने का आह्वान भी किया। महागठबंधन के नेताओं ने कहा, शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया, हमारी मांग है इस देश को दोबारा भारत और पाकिस्तान नहीं बनने दीजिए। इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहस करने पर मजबूर किया है कि क्या इस देश का दोबारा बंटवारा होगा। लोग कहते हैं कि यह गांधी के मानने वाले हैं, लेकिन यह लोग गोडसे से कभी बाहर ही नहीं निकले। सभी को इस कानून से एक समान पीड़ा हो रही है कि ये तमाशा क्या है। जब इस देश में अस्थाई नागरिक हो गए हैं तो विधेयक लाकर देश में विद्रोह क्यों फैलाना है। बांग्लादेशियों के नाम पर 14 लाख हिंदुओं को रजिस्टर में जगह नहीं मिल पाया, कल शांतिपूर्वक बंदी होगा। हमारा बंद हिंसक नहीं है, लालू जी के निर्देश पर शांतिपूर्वक बंदी होगा। हमारा एक ही मांग है, ना हम किसी को मारेंगे और ना हम मानेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। गरीबों पर जब भी जुल्म होगा तब तक लोग हम आवाज़ उठाएंगे। यह सरकार खुद अत्याचारी है, सरकार नागरिकों को परेशान कर रही है, पूरे मुल्क और दुनिया में तमाशा बन रहा है। अभिषेक राज की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ कैमूर से। जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग जब जुलूस निकालते हैं और शांति नहीं रहती है, आपके सहयोग अपेक्षित है। आप लोग के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से पूर्णतः या शांतिपूर्वक मोहनिया में जुलूस निकाला गया। हमारी मांग सीधी है कि इस देश को दोबारा भारत और पाकिस्तान की नहीं बनने दीजिए। जिन लोगों ने 1923 में दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी, आज उनके आने वाले जो फॉलोवर हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिन्होंने फिर से दोबारा इस देश में 100 सालों बाद यह बहस पैदा की है कि क्या इस देश में धर्म के आधार पर दोबारा बंटवारा होगा। लोग मुंह से कहते हैं कि गांधी के मानने वाले हैं, लेकिन ये गोडसे से कभी बाहर नहीं आ पाए। आप देख रहे हैं, क्या इस भीड़ में हिंदू और मुसलमान नहीं है? क्या इसमें दलित गरीब नहीं है? सभी लोगों को एक समान पीड़ा हो रही है कि यह तमाशा क्या है। नागरिकता संशोधन अध्यक्ष ये कोई विशेष बात नहीं थी, इस देश में 1955 से ही सभी लोग नागरिक हैं। जब एक बार इस देश में अस्थाई नागरिक हो गए, आप आसाम की स्थिति देख लीजिए, जहां पर बांग्लादेशियों के नाम पर 14 लाख हिंदुओं को भी रजिस्टर में जगह नहीं मिल पाई। आप, मैं ये बताना चाहता हूं अपने सभी जो लोग सुन रहे हैं कि 14 लाख हिंदुओं को और उसमें 10 लाख महिलाओं को उस रजिस्टर में नाम नहीं मिला। जो पहले 38 लाख था वो घट के 19 लाख आया। 19 में 14 लाख हिंदू परिवार हैं और उसमें भी खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से जो कमाने गए हैं, बाप दादा की जमीन खरीद कर वहाँ बस गए गरीब गुरबा, आज वो विस्थापित हैं। और वहाँ के जो फासीवादी ताकत है कि जर्मनी में जिस तरह हिटलर ने लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर बनवा के मार डाला, आज छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे, माताएं और बहनें वहाँ पर चार जगह डिटेंशन सेंटर बना है, काकरा झाड़ में, और वहाँ पर लोगों को एक यातना शिविर में बदल दिया गया है। पार्टियाँ हैं, हम मसाल जुलूस निकाले इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी, जिनको पूरा देश अपना प्रधानमंत्री मानता है, लेकिन कुछ खास लोगों के प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। इस देश में मजहब के सवाल पर नागरिकता संशोधन बिल ला करके धर्म के नाम पर नागरिकता देने की बात करके मुल्क की जमहूरियत को जो तोड़ने का काम किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है, इसके चलते हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, राजद के और हम और वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के लोग, हम लोग बताना चाहते हैं ये मुल्क हमेशा गंगा जमुनी तहजीब पर चला है। इस देश में चाहे हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई रह करके इस देश में काम करता है। लेकिन जो आज हुकूमत है, हुकूमत सियासत की बात कम कर सियासत की बात करती है। हम कहाँ गठबंधन के लोग सियासत के साथ साथ मुल्क की हिफाजत की भी बात करते हैं, जिसका नतीजा कल हम कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मनवाई हैं। लोहिया जी कहा करते थे,
जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करते, हम मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। शांतिप्रिय तरीके से आप सभी लोगों को मीडिया कर्मी प्रशासन के सहयोग से जनता की इस बात को लेकर के कल हम बिहार बंद करेंगे और दुकानें बंद करेंगे, यातायात साधन को बंद करेंगे, जो हमारे मरीज हैं रेल भी जाम करेंगे, क्योंकि वो भी एक हिस्सा हमारा है जो फंडामेंटल राइट धारा 14 का संविधान का मूल स्वरूप को कोई सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं जो संविधान के धारा 14 को भी तोड़फोड़ करके एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा, एक तो नागनाथ थे, उनके साथ गृह मंत्री सापनाथ आ गए।